नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव भाई। 2024 का एंड चल रहा है, नवंबर आ चुका, बट कुछ गाड़ियां मार्केट में ऐसी आती हैं जिसके लिए लोग साल बदलने का इंतजार नहीं करते कि कोई नई गाड़ी आ जाएगी सेम सेगमेंट में या कुछ अपडेशन आ जाएगी। भाई लेनी है तो लेनी है, वो साल भी नहीं देखते। तो यहाँ ऐसी ही एक गाड़ी हमारे साथ खड़ी है, अर्टिका है, 7 सीटर कार है, ZXI ऑप्शनल है, टॉप ऑफ द लाइन है, CNG के साथ VXI ऑप्शनल मिल जाती है। VXI ऑप्शनल यहाँ खड़ी है, CNG आपको अर्टिका के अंदर, ZXI और VXI ऑप्शनल के अंदर ही देखने के लिए मिलेगी। दोनों गाड़ियां यहाँ खड़ी हैं, बट आज हम देख रहे हैं ZXI ऑप्शनल। 7 सीटर कार है, 11,88,000 शोरूम प्राइस आ जाते हैं इस गाड़ी के हरियाणा फैजाबाद के अंदर। बाकी भाई इस प्राइस सेगमेंट में अगर हम देखें तो आज की डेट में हैचबैक आ रही है, कॉम्पैक्ट SUVs आ रही है, 5 सीटर कार आ रही है। वहीं अगर आपको एक 7 सीटर कार मिल जाती है और वो भी लग्जरी फील के साथ, तो क्या बुराई है। 11,88,000 शोरूम है इसके हरियाणा फैजाबाद के अंदर। वहीं ऑन रोड की बात करूं तो 13,33,000 इसके ऑन रोड प्राइस आते हैं हरियाणा फैजाबाद के अंदर। बाकी ऑन रोड प्राइस जो है वो सिटी वाइज और स्टेट वाइज वेरी करते हैं, कौन सी स्टेट से आप लोग बिलोंग करते हो। अब 11,88,000 शोरूम प्राइस पे 7 सीटर कार के अंदर फीचर्स क्या क्या मिल रहे हैं उसकी बात करें तो की से स्टार्ट कर लेते हैं। इसमें भाई हमें स्मार्ट की मिल जाती है, सुजुकी का लोगो, लॉक अनलॉक का बटन मिलेगा, दोनों की में आपको सेंटर लॉकिंग बटन दिए गए हैं। और गाड़ी देखा जाए तो यार CNG के साथ माइलेज की अगर आप देखोगे, सिटी के अंदर carwale.com ने इसकी माइलेज क्लेम की हुई है 18 की सिटी के अंदर, और हाईवे पे 35 किलोमीटर पर लीटर की पर किलो CNG की माइलेज क्लेम की हुई है। वही इस प्राइस सेगमेंट पर की तो मैं आपको दिखा चुका हूं। बात करें फीचर्स की, अपडेट क्या क्या मिल जाता है इसमें हमें रूफ रेस वगैरह नहीं मिलते, नॉर्मल एंटीना मिलता है। ये आप बोल सकते हो कि भाई ZXI ऑप्शनल के अंदर कम से कम एक जो शार्क विन एंटीना मिलना चाहिए हम लोगों को। CNG की बैजिंग मिलेगी दोनों विंडशील्ड पे, फ्रंट रियर पे मैनुअल वाइपर मिलते हैं विद 2 वॉशर, कुछ इस तरह से बोनट भी आएगा। यहाँ जो ग्रिल है रेडिएटर उसमें ब्लैक और गार्निश ट्रीटमेंट मिलेगा, और यहाँ भी आपको ऐसा लगेगा जैसे कनेक्ट हो रहा हो, जो हेडलैम्प यूनिट है उसके अंदर भी गार्निश ट्रीटमेंट दिया गया है। और हेडलैम्प की बात करो तो इसमें हमें एक प्रोजेक्टर मिल जाएगा लो बीम के लिए, ये हाइलोजन बेस्ड प्रोजेक्टर मिलेगा बट, और हाई बीम के लिए रिफ्लेक्टर बेस्ड हाइलोजन हेडलैम्प यूनिट दी गई है। यहाँ इंडिकेटर भी हेडलैम्प यूनिट के अंदर है, फॉग लैम्प हमें हाइलोजन बेस ही मिलेंगे इसके, हेडलैम्प मतलब जो लाइट सेटअप है वो सारा इसमें हाइलोजन बेस ही दिया गया है। लोअर ग्रिल मैट ब्लैक फिनिश में मिल जाएगी जो कि दोनों फॉग लैम्प्स के हाउसिंग को आपस में कनेक्ट कर रही है। बाकी गाड़ी का फ्रंट आप यहाँ से देख सकते हैं कि गाड़ी लग कैसी रही है। वहीं गाड़ी के साइड प्रोफाइल पाएंगे तो इसमें हमें अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं, VXI ऑप्शनल में हमें अलॉय व्हील्स नहीं मिलते, वो खड़ी आपकी VXI देख सकते हो, यहाँ अलॉय मिलेंगे वहां अलॉय नहीं मिलते। अलॉय हमें कुछ मल्टी स्पोक टाइप मिलेंगे। टायर साइज की बात करें तो इसमें 185/65/15 टायर साइज मिलेगा। फ्रंट डिस्क है, रियर ड्रम ब्रेक्स मिलेंगे, सुजुकी का लोगो, ORBM इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल रिएक्टेबल मिलेंगे विद इंडिकेटर, बॉडी कलर ORBM से, फेंडर प्लेन है, कोई क्लैडिंग वगैरह नहीं मिलती, गार्निश डोर हैंडल्स मिलते हैं, ड्राइवर साइड रिक्वेस्ट सेंसर दिया हुआ है, बाकी ए पिलर बॉडी कलर है, BEC ब्लैक दिए हुए हैं, क्वार्टर पैनल पे भी ग्लास मिलेगा क्योंकि 7 सीटर कार है, और यहाँ आपको देखोगे तो व्यू ठीक आएगा अंदर से। बाकी रियर जैसा मैंने बताया ड्रम ब्रेक्स इसमें दिए गए। यहाँ देखेंगे भाई आप गाड़ी का रियर लुक देखोगे तो यहाँ पे हमें पॉइंट्स में टेल लैंप दिया हुआ है, ये आपका स्टॉप लैंप है ऊपर, यहाँ इंडिकेटर है, रिवर्स लाइट है, 4 पार्किंग सेंसर्स पॉइंट किए हुए हैं, सुजुकी का लोगो, रियर वाइपर है विद वॉशर, डिफॉगर, आई माउंटेड स्टॉप लैंप दिया हुआ है, CNG की बैजिंग, सुजुकी का लोगो, यहाँ गार्निश बीडिंग मिलेगी, रिवर्स कैमरा इसमें नहीं दिया गया, और यहाँ अर्टिका की बैजिंग दी हुई है। यहाँ आपका फ्यूल लेड मिलेगा, CNG फिलअप पॉइंट भी आपको अंदर ही दिया गया है इस जगह पे, ठीक है। और इसे कर देते हैं बंद, को ड्राइवर साइड भी रिक्वेस्ट सेंसर दिया गया है, ड्राइवर को ड्राइवर साइड दोनों साइड रिक्वेस्ट सेंसर दिया गया है गाड़ी में। तो ये तो हो चुका भाई गाड़ी का एक्सटीरियर, की तो मैं आपको दिखा चुका, कुछ इस तरह की स्मार्ट की मिल जाती है, लॉक अनलॉक, पीछे सुजुकी के लोगो। अब चलते हैं गाड़ी के इंटीरियर में, तो पहले क्यों ना बूट गेट से स्टार्ट कर लेते हैं, यहाँ बूट गेट ओपन कर लेते हैं, कुछ इस तरह से बूट गेट ओपन होगा इसका, आराम से हो गया। बाकी यहाँ लग सकता है ये CNG सिलेंडर कुछ इस तरह से मिलेगा आपको, हाइड्रोलिक टेलगेट मिलेगा इसमें, स्पेस वगैरह देख सकते हो आप, थर्ड रो में भी आपको यहाँ एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिए गए हैं 2। अगर आपको बूट स्पेस एक्सटेंड करना है तो ये दोनों सीटें फोल्ड कर सकते हो और आपका बूट स्पेस एक्सटेंड हो जाएगा। तो ये तो कुछ इस तरह का बूट स्पेस है, और सिलेंडर भी इसका पूरा कवर करा हुआ है, 60 लीटर वाटर कैपेसिटी का CNG सिलेंडर मिल जाता है इस गाड़ी के अंदर। इसे कर देते हैं बंद,
अब आ जाते हैं हम सेकंड रो में। तो यहाँ जैसे ही आप गेट ओपन करोगे, गार्निश डोर हैंडल्स है, जैसा मैंने दिखाया आपको, वेज कलर का इंटीरियर मिलेगा पूरी गाड़ी में, ब्लैक कलर का ट्रीटमेंट डैशबोर्ड पे है थोड़ा बहुत, बाकी जो डोर पैनल्स है वो पूरे वेज कलर के अंदर दिए गए। यहाँ डोर ओपनर है गार्निश में ही, लॉक अनलॉक का बटन, ये विंडो अप डाउन करने के लिए, पैसेंजर ट्रिम हमने हार्ड टच में दिया हुआ है, नीचे स्पीकर है, टोटल चार स्पीकर्स मिलते हैं, जैसा मैंने आपको बताया छह स्पीकर्स मिलते हैं, चार स्पीकर है, दो ट्विटर है, वाटर स्पेस मिल जाता है, थोड़ा सा यहाँ पेपर वगैरह कैरी करने के लिए भी जगह मिल जाती है, आपको वॉलेट वगैरह भी रख सकते हो यहाँ पे। सेमी फैब्रिक सीट्स हैं, बीच में एडजस्टेबल आर्मरेस्ट दिया हुआ है सेकंड रो के लिए, और इसमें आपको कप होल्डर्स मिलते हैं, यानी कप होल्डर्स नहीं है, सिर्फ आर्मरेस्ट मिलेगा। एडजस्टेबल हेडरेस्ट है, लाइट दी हुई है इस जगह पे, पीछे भी दो एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिए हुए हैं और पीछे कप होल्डर भी दिए हुए हैं थर्ड रो के लिए। एक 12 वोल्ट का आउटपुट दिया हुआ है इस जगह पे, चाहे इन्फ्लेटर यूज करो चाहे थर्ड रो से, सेकंड रो वाले भी अपना मोबाइल वगैरह चार्ज कर सकते हैं। बाकी सेकंड रो के लिए अलग से 12 वोल्ट का आउटपुट यहाँ पे दिया हुआ है, पीछे जाने की जरूरत नहीं है भाई, पीछे वालों को अपना चार्ज करने दो मोबाइल। पॉकेट्स मिल जाती हैं दोनों सीट्स में। यहाँ पे एसी वेंट्स मिलेंगे चार, जो कि सेकंड और थर्ड रो के लिए दिए गए हैं। यहाँ ब्लोअर की स्पीड आप अपना कम ज्यादा कर सकते हो। ग्रैब हैंडल्स हैं, बाकी इंटीरियर पूरा ही गाड़ी का बेज कलर के अंदर मिलता है। यहाँ से ड्राइवर फ्रंट देख लो, वैसे ड्राइवर फ्रंट पे ही हम चल रहे हैं अब आगे। यहाँ आपका 12 वोल्ट का आउटपुट हो गया, यहाँ भी थोड़ी जगह दी गई है। अगर यार गाड़ी में स्पेस अच्छा मिल जाता है और प्राइस अकॉर्डिंग भाई पूरी लग्जरी कार मिलती है गाड़ी के अंदर, कोई कमी नहीं है। अब यहाँ जैसे ही ड्राइवर डोर ओपन करेंगे, यहाँ रिक्वेस्ट सेंसर दिया हुआ है ड्राइवर डोर पे, तो ब्लैक तो यहाँ नहीं है बट वुडन ट्रीटमेंट मिल जाएगा। ये देखो डोर के अंदर, जो कि डैशबोर्ड के अंदर भी गाड़ी को और प्रीमियम बना रहा है। बेज कलर का ही पूरा डोर पैनल है, ड्राइवर डोर पैनल। ये डोर ओपनर है गार्निश में, लॉक अनलॉक के लिए चारों पावर विंडो है। ये विंडो लॉक अनलॉक के लिए, गाड़ी लॉक अनलॉक के लिए, ORBM कंट्रोल यूनिट फोल्ड अनफोल्ड के लिए, यहाँ एडजस्ट के लिए दिया हुआ है। ये ड्राइवर वाला वन टच अप वन टच डाउन मिलेगा, ड्राइवर टीम आर्मरेस्ट भी हार्ड टच में है, स्पीकर वाटर बॉटल स्पेस, यहाँ हाइट एडजस्ट का ऑप्शन मिलेगा। सेमी फैब्रिक सीट्स हैं, डुअल टोन के अंदर एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिए हुए हैं, क्लच ब्रेक एक्सीलेटर डेड पैंडल भी मिल जाता है। ये फ्यूल लाइट खोलने के लिए, जहाँ से आपका CNG भी फिलअप होगी, थोड़ा सा जगह यहाँ मिल जाती है आपको मोबाइल वगैरह वॉलेट वगैरह कैरी करने के लिए। ये पेट्रोल CNG स्विच करने के लिए बटन दिया हुआ है, ट्रैक्शन ऑन ऑफ, ये हेडलाइट लेवलर है लेवल करने के लिए, इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन, यहाँ भी वुडन ट्रीटमेंट दिया हुआ है। चलते हैं गाड़ी के अंदर। अब भाई अर्टिका ZXi ऑप्शनल CNG ड्राइवर सीट से भी गाड़ी का इंटीरियर देख लो, क्या प्यारा इंटीरियर मिल जाता है भाई, प्रीमियम तो पूरा लगता है, पूरा लग्जरी फील देता है। जो ये वुडन ट्रीटमेंट दिया हुआ है काफी अच्छा लगता है, हालांकि किट है, वुडन नहीं यूज किया हुआ है, प्लास्टिक है बट उसके ऊपर वुडन ट्रीटमेंट किया हुआ है। यहाँ पे स्टेयरिंग देखेंगे, स्टेयरिंग भी पूरा वेज कलर के अंदर दिया हुआ है और ब्लैक नहीं यार इसमें, मैंने बाहर बोला था ना, डैशबोर्ड पे भी ब्लैक कलर, सिर्फ थोड़ा सा वेंट्स पे है और कहीं ब्लैक कलर नहीं दिया हुआ, मीटर वगैरह पे वेंट पे यहाँ दिया हुआ है। ताकि यहाँ पे स्टेयरिंग देखोगे, स्टेयरिंग फ्लैट बॉटम है, थ्री स्पोक में स्टेयरिंग दिया गया, बीच में सुजुकी का लोगो है। यहाँ पे स्टेयरिंग आपको टिल्ट दिया गया है, अगर एडजस्टमेंट की बात करें तो टेलीस्कोपिक नहीं मिलेगा। वैसे भाई अब इसमें ना अर्टिका में भी नो अपडेट कर देना चाहिए, कम से कम इसके अंदर भी टेलीस्कोपिक स्टेयरिंग दे देना चाहिए, ZXi ऑप्शनल के अंदर तो एटलीस्ट दे देना चाहिए टॉप वेरिएंट के अंदर। बाकी यहाँ फ्लैट बॉटम स्टेयरिंग है, थ्री स्पोक के अंदर सुजुकी का लोगो, दो एयरबैग मिलते हैं इसमें, ड्राइवर और को ड्राइवर। यहाँ पे म्यूजिक सिस्टम के कंट्रोल्स हैं, ये फोन उठाने काटने के लिए, वॉइस कमांड के लिए बटन दिए हुए हैं यहाँ पे। ये स्पोक्स पे यहाँ ब्लैक ट्रीटमेंट है, सिल्वर भी दिया हुआ है इंसर्ट, और ग्रिप बनाई हुई है, सॉफ्ट स्टेयरिंग है, और डुअल टोन में यहाँ थोड़ा प्लेन दिया हुआ है, बाकी रग्ड फील में स्टेयरिंग दिया हुआ है। यहाँ पे हेडलैम्प कंट्रोल्स दिए हुए हैं, यहीं से आपका फॉग लैम्प ऑन ऑफ होंगे। इधर वाइपर कंट्रोल्स हैं, वाइपर भी मैनुअल है। कुछ इस तरह का मीटर मिलेगा, मीटर में एक बार इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन जैसे प्रेस करूंगा तो इस तरीके से ऑन होगा। जो RPMs हैं, यहाँ पे CNG गैस दिया हुआ है, पेट्रोल जो स्पीड मीटर है उसमें पेट्रोल गैस दिया हुआ है, टाइम आ रहा है, वेदर टेम्परेचर आ रहा है, बीच में MID दी हुई है, यहाँ स्टिक्स दी हुई है दो, 220 टॉप स्पीड है वैसे इसमें, ये प्रेस करोगे आप तो यहाँ से आपका ड्राइविंग टाइम आ जाएगा। ये ट्रिप ए ट्रिप भी होगा इस साइड से, लेफ्ट वाली स्टिक से, और राइट वाली से आप पेट्रोल डायरेक्शन देख सकते हैं, ऊपर पेट्रोल लिखा हुआ है। यहाँ पे वॉच आ रही है, डेट भी आ रही है, फ्रंट मोशंस देख सकते हैं फ्रंट और रियर टायर के,
टॉर्क एक्सेल वगैरह देख सकते हैं, मोड ऑफ रेशियो देख सकते हो सीएनजी पेट्रोल के अंदर, टाइम दिख जाएगा टोटल सीएनजी मोड टाइम, सीएनजी कितनी है वो यहाँ भी आपको शो करेगा, और यही सारी सेटिंग्स इसमें मिल जाती हैं। टॉर्क पावर वगैरह भी यहाँ से देख सकते हो। यहाँ वेंट्स दिए हुए हैं विंडोज के लिए, कुछ इस तरह से डैशबोर्ड व्यू मिलेगा। पॉपअप डिस्प्ले नहीं है इसके अंदर, यहाँ आपको डिस्प्ले मिलेगी डैशबोर्ड के अंदर, जो डिस्प्ले मिलती है 7 इंच की। इसमें एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले मिल जाएगा दोनों चीजें, और वायरलेस कनेक्ट होंगी वो चीजें दोनों। अरे शांत हो जाओ। यहाँ पे अपना माइलेज वगैरह भी देख सकते हो, और ये यहाँ से फोन की सारी सेटिंग्स हो जाएंगी आपकी। एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले कनेक्ट कर सकते हो। यहाँ हजार लाइट का बटन है, सिक्योरिटी लाइट, ये वही वुडन ट्रीटमेंट, अगर आप फोन पे जस्टिफाई कर पा रहे हो कैमरे के अंदर तो काफी प्रीमियम फील लग रहा है। वापस से नीचे वेज कलर का ट्रीटमेंट दिया हुआ है। यहाँ माइक है, ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल यूनिट मिलेगी, जो एसी है वो ऑटोमेटिक मिलेगा आपको। नीचे 12 वोल्ट का आउटपुट दिया हुआ है, यहाँ पे यूएसबी पॉइंट दिया हुआ है, थोड़ा स्पेस है। यहाँ आपको वेंटिलेटेड कप होल्डर्स मिल जाते हैं, ये आपको VXI में भी मिल जाते हैं, VXI ऑप्शनल में भी और ZXI ऑप्शनल में भी दिए गए हैं। 5 गियर के साथ कुछ इस तरह का गियर लीवर मिलेगा, 5 गियर ट्रांसमिशन के साथ। यहाँ थोड़ा अलग ट्रीटमेंट दिया गया है, थोड़ा कैमल कलर टाइप में, बिल्कुल डार्क में दिया गया है इस जगह पे। हैंड ब्रेक मैनुअल, ये भी वही सेम ट्रीटमेंट है जैसा गियर नॉब में कलर है वही यूज किया गया है। यहाँ पे आर्मरेस्ट मिल जाएगा, छोटा सा है, की वगैरह कैरी कर सकते हो आप, चेंज वगैरह रख सकते हो थोड़े बहुत पैसे यहाँ पे, और स्लाइडेबल है। यहाँ पे आपको ग्लोब बॉक्स मिलेगा, ग्लोब बॉक्स में भी स्पेस दिया हुआ है, कोई कूल वगैरह तो नहीं है। ऊपर मैनुअल डिमिंग IRBMs है, यहाँ रीडिंग लाइट मिलेंगी, एक आगे और एक पीछे दी हुई है रूफ पे, सेकंड रो और थर्ड के बीच में। वेंटी मिरर दिया हुआ है सन वॉइजर में, को ड्राइवर साइड, ड्राइवर साइड आपको खाली टिकट होल्डर दिया गया। बाकी ये हो चुका पूरा ड्राइवर फ्रंट, क्या क्या हमें मिल जाता है सारी चीज आपको दिखा दी। अब चलते हैं इसके इंजन कैबिनेट पे। भाई जैसे इसका बोनट ओपन करेंगे, ऊपर इंसुलेशन पैडिंग दी गई है इस जगह पे, वॉशर दिख रहे होंगे आपको, ये बोनट के अंदर ही कवर हो जाते हैं। यहाँ में 1.5 लीटर का 4 सिलेंडर 4 वॉल्व K15C पेट्रोल इंजन मिल जाता है CNG के साथ, जो कि 87 BHP की पावर प्रोड्यूस करता है और 121.5 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। ARAI के अकॉर्डिंग इसकी माइलेज की बात करें तो 26.11 km/L के बता रहे हैं, और वहीं अगर कार वाले की बात करें तो उन्होंने इसकी टेस्ट करी है माइलेज, वो 18.01 km बता रहे हैं, बट ये पेट्रोल के अंदर होगी। वहीं हाईवे माइलेज अगर कार वालों ने टेस्ट करी है तो 35.6। अच्छा, सिटी माइलेज है 18 देगी CNG के अंदर अगर सिटी में आप चलाते हैं, और हाईवे पे देंगे तो 35.6 की माइलेज देगी, ये कार वालों ने क्लेम की हुई है। तो भाई ये था आपका अर्टिका ZXI ऑप्शनल CNG मोनोटोन व्हाइट, टॉप ऑफ द लाइन का इंटीरियर, एक्सटीरियर और इंजन स्पेसिफिकेशंस। गाड़ी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना, गाड़ी के बारे में आपका कोई ओपिनियन है वो भी कमेंट बॉक्स में बताना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक टाटा बाय बाय, भारत माता की जय।